हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शफीक अपनी नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ वो एक फैंसी बोट बन रही है, और ये फैंसी बोट सेम लाइक जिस तरह वो पानी के अंदर एक एरोप्लेन आपने देखा होगा जो पानी के अंदर ही लैंड करता है, पानी के अंदर से ही वो फ्लाई करता है, ये उस शेप की बनाई हुई है। चले मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा देखें कितनी खूबसूरत बनी हुई है। ये देखें, ये इसका फ्रंट, ये राइट साइड जिसको स्टारबोर्ड साइड कहते हैं, और ये इसकी पोर्ट साइड। अगर मैं इसको ऐसे करके दिखाऊं, ये देखें बिल्कुल वो प्लेन एरोप्लेन जो के सी के अंदर लैंड करता है और सी के अंदर से फ्लाई करता है, ये उस तरह की बनी हुई है, इंतहाई खूबसूरत। ये देखें, ये दोनों इसके एंकर हैं, जब इसको पानी में कहीं स्टॉप करना हो तो ये चलते हैं। और ये इसकी राइट साइड है, देखें कितनी खूबसूरत बोट बनी हुई है, बहुत फैंसी, बड़ी प्यारी, बहुत खूबसूरत। ये देखें इसका छोटा सा बाउथ रेस्टर, बिल्कुल छोटा सा, क्योंकि ये फाइबर की बनी होती है इसलिए इस पर छोटा सा लगता है। ये इसका सेंटर जो पानी के नीचे टच होता है, ये देखें। ये डाइवर पानी के अंदर उतारना हो तो डाइवर पानी के अंदर इस हैच को खोल देते हैं ऊपर से, और ये नीचे पानी की तरफ खुल जाता है और इससे डाइवर पानी के नीचे आ जाता है। और ये जो छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं, ये सी इसको क्या कहते हैं, ये एसी वगैरह के, फायर पंप के, ये सब के ओवरबोर्ड होते हैं, यहाँ से पानी कूलिंग सिस्टम का बाहर आता है। ये देखें जी, इसका कूलिंग सिस्टम इतने छोटा सा, बिल्कुल यहाँ से इंजन को कूलिंग मिलती है, पानी जो शिप के अंदर जाता है, और इसको बोलते हैं जिंक एनोड। ये यानी कि इसको रस्ट लगने से बचाएगा, इस तकरीबन ये 5 से 6 मीटर एरिया कवर कर जाता है एक जिंक एनोड, तो ये रस्ट नहीं लगती, ये इसको रस्ट से बचा के रखता है। ये इसका प्रोपेलर देखें, बिल्कुल छोटा सा है, और इसको शाफ्ट बोलते हैं जो कि अंदर जाके इंजन से कनेक्ट होती है, इंजन घूमता है तो ये प्रोपेलर घूमता है और स्पीड बढ़ती है। ये भी जिंक एनोड है, और ये इसका रडर है इस तरह। ये देखें, ये इसकी लेफ्ट साइड का प्रोपेलर और रडर है, ये बहुत ही खूबसूरत बोट है। ये देखें, इस तरह के वीडियो के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।